अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी। अजकल सूरत हाल ये है कि कोई तो गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, तो कोई चित्राल जा रहा है, और एक सिर्फ हम हैं कि जो लगातार ऑफिस जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में दिल बड़ा दुखी था, लोगों के स्टेटस देख के दिल बड़ा परेशान हो रहा था। तो हमने भी सोचा कि हम भी किसी तरफ जाते हैं घूमने के लिए, कोई टूर शूर मारते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम भी प्लान बना लिया टूर का। तो टूर का प्लान बना के जैसे ही मैंने बाइक की तरफ देखा है, तो बाइक ने आगे से दांत निकालने शुरू कर दिए। जैसे ये कह रही हो कि मैं स्कर्दू नहीं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप जाऊंगी। तो इसका मुआयना किया है, तो मुआयना करने के बाद पता चला है कि बाइक काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, तकरीबन 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो पहले इसके कुछ काम होना बहुत ज़रूरी थे, तो उसके बाद ये स्कर्दू जा सकती है। तो इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए बाइक को लेके गया मैं वर्कशॉप। उधर वर्कशॉप पे बाइक ने मेरा मोटा खर्चा करवा दिया है 70,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन सा स्पेयर्स मैंने चेंज किए हैं, और स्पेयर्स की लाइफ कितनी थी, और आजकल स्पेयर्स की प्राइस कितनी है, और टूर पे निकलने से पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है। इस सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो में, तो आपने जुड़े रहना वीडियो के साथ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये आप देख रहे हैं कि 67,321 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक, और 1,000 किलोमीटर पे इसका मीटर चेंज हुआ था, तो टोटल ये 68,000 है। तो 68,000 बाद कौन सा काम निकलवाया इसने, कौन सा काम इसका करने वाला है, कौन कौन सा स्पेयर पार्ट चेंज होगा, ये सब आपको मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। तो चले निकलते हैं शोरूम के लिए, बाकी उधर जाके आपको अपडेट देता हूँ। आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए सबसे पहले मैंने चेन स्प्राकेट सेट चेक किया है। तो चेन स्प्राकेट सेट चेंज करने वाला है। ये फ्रंट ग्रारी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ये है कि ये पहले चेंज हुई है, और जो रियर पिछली ग्रारी है वो बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल ख़त्म है, तो ये चेंज होने वाली है। तो स्प्राकेट सेट एक तो चेंज होगा कंप्लीट। और अगर मैं स्प्राकेट सेट की लाइफ की बात करता हूँ, तो ये चेन स्प्राकेट सेट चला है तकरीबन 33,000-34,000 किलोमीटर। ये फ्रंट ग्रारी चेंज हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बाकी कंप्लीट अगर सेट की लाइफ की बात करता हूँ, तकरीबन 34,000 किलोमीटर ये आसानी से चल गया मेरे पास। ये स्प्राकेट सेट भी मैंने जेन्युइन डलवाया था, सुजुकी जेन्युइन पार्ट ही यूज़ किया था, और इस बार भी सुजुकी जेन्युइन पार्ट ही यूज़ करेंगे, सुजुकी का जेन्युइन ही डलवाऊँगा, क्योंकि आपके सामने लाइफ काफ़ी अच्छी रही है इसकी। और ये रियर ब्रेक शू हैं GS 150 स्पेशल एडिशन के, इनमें थोड़ी सी लाइफ बाकी है, लेकिन आपको पता है कि टूर लंबा है और अतराइयाँ भी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं चेंज कर दूं। और वैसे भी नए स्प्राकेट सेट के साथ फिर थोड़ी सी वो फिटिंग में आ जाना था मसला, तो इसलिए मैंने ये भी चेंज करवाने का सोचा है। और ये आपके सामने जो पिछला एक्सल है वो है, ये बोल्ट है, इसके थ्रेड्स चूड़ियाँ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा मसला था, तो ये भी अब मैंने चेंज करवा देना है। और इसके लिए भी मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि अगर उधर टायर वगैरह पंक्चर होता है या कोई और सीन होता है या कुछ भी टायर निकालना पड़ता है, तो एक बार तो ये खुल जाएगा, और अगर दोबारा ना लगे तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। चूड़ियाँ ख़त्म होने के बाद ये मैंने बाहर से लेके नट लगवाया था, जो इसके साथ जेन्युइन नट था वो नहीं लग रहा था, क्योंकि चूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने बाहर से लेके नट लगवाया था। अगर एयर फिल्टर की बात करता हूँ, तो एयर फिल्टर ये चल चुका है तकरीबन, जो बाइक की लाइफ है वही इस एयर फिल्टर की लाइफ है अभी तक। ये जेन्युइन एयर फिल्टर, पहले वाला एयर फिल्टर ही चल रहा है तकरीबन 68,000 किलोमीटर से चल चुका है, और अभी तक ये ठीक है, क्योंकि ये वाशेबल है, तो यही इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं रियर व्हील के बैरिंग्स वगैरह की बात करता हूँ, तो रियर व्हील के बैरिंग्स ये ठीक हैं, ये तकरीबन मैंने 6,000-7,000 किलोमीटर पहले डलवाए थे, बुश भी लगवाया था, तो ये अभी ये ठीक हैं, इनको अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। अगर रबर की बात करता हूँ, ड्रम रबर ये आपके सामने, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसके थोड़े से किनारे ख़राब हुए हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये दूसरी साइड से, ये इधर से देखें, ये थोड़े से किनारे इसके ख़राब हुए हैं, तो ये भी मैं चेंज करवा दूंगा। 300-400 की आइटम है। एयर फिल्टर की होजिंग में देखते हैं,
ये हल्का सा कुछ ब्लोवल एलिमेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा ब्लो नहीं है। इतना ऑयल तो हम आपको पता है एयर फिल्टर एलिमेंट को भी लगा देते हैं। ये मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये हल्का सा ऑयल है लेकिन इसका मसला नहीं है। तो ये न्यू चेन स्प्राकेट सेट आ गया है सुजुकी का जेन्युइन। तो अगर इसकी मैं प्राइस की बात करता हूँ तो ये टोटल जो पूरा मुकम्मल सेट है वो बनेगा तकरीबन 5300 रुपये का। अगर चेन की अलग प्राइस की बात करता हूँ तो ये जेन्युइन जो है तकरीबन 3200-3300 रुपये का है, और ये फ्रंट वाली गरारी है ये तकरीबन 500 रुपये की है, फ्रंट स्प्राकेट तकरीबन 500 की। और जो रियर गरारी है ये आपके सामने, ये भी सुजुकी की जेन्युइन है। तो अगर इसकी मैं प्राइस की बात करता हूँ, अगर अलग से प्राइस की बात करते हैं तो ये आपके सामने लिखी आ रही है तकरीबन 1500 रुपये इसकी प्राइस है। तो ये तकरीबन 5300 रुपये का मुकम्मल सेट बनता है जेन्युइन। तो ये स्प्राकेट सेट चेंज हो रहा है, ये फ्रंट पे न्यू गरारी लगाई जा रही है, चेन डाल दी है और पिछली गरारी भी डाल दी है। तो ये फ्रंट पे अभी गरारी मैकेनिक साहब फिक्स कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ पीछे। ये देखें न्यू चेन है। और आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी चेन स्प्राकेट सेट चेंज करवाना है तो इसका जो लॉक है, ये लॉक आपके सामने चेन लॉक है, ये आपने मैकेनिक से याद से न्यू डलवाना है। ऐसा ना हो कि मैकेनिक पुराना डाल दे फिर वो मसला कर जाता है। तो उसके साथ बैटरी चेंज हो रही है जी, ये न्यू बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जा रहा है। इसकी एहतियात आपने ये करनी है कि इलेक्ट्रोलाइट फिल करके बैटरी को तकरीबन आधा से पौना घंटा बगैर चार्जिंग के छोड़ना है। ये सोकिंग टाइम होता है बैटरी का, जो इलेक्ट्रोलाइट जब फिल करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सारा अंदर जाता है प्लेट्स के अंदर, सेपरेटर्स के अंदर। तो ये सोकिंग टाइम होता है, ये आपने ज़रूर पूरा करना है। और ये ब्रेक शू है, ब्रेक शू भी जेन्युइन रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। अगर इसकी प्राइस की बात करता हूँ ये भी तकरीबन 700 रुपये के हैं। तो बैटरी मैं बता रहा था, तो बैटरी सोकिंग टाइम के बाद आपने चार्ज करनी है, और बैटरी की प्राइस है तकरीबन 3700 रुपया। और एक्सल आ गया जी हमारे पास, एक्सल की प्राइस की बात करता हूँ तो ये तकरीबन 410 रुपये इसकी प्राइस है। ये इसके साथ नट नहीं है, तो नट बाहर से कोई अच्छे वाला मैं परचेज़ करके लाता हूँ। ये ड्रम रबर्स भी न्यू आ गई हैं, ड्रम रबर्स भी चेंज हो जाएंगी, ये भी जेन्युइन पार्ट है। और अगर इसकी प्राइस की बात करता हूँ तो ये आपके सामने तकरीबन 320 रुपये की ये प्राइस है, इसकी 320 रुपये की आइटम है। और उसके अलावा ये सुजुकी का प्लग आ गया है। तो पहले NGK का प्लग दे रही थी सुजुकी, लेकिन आजकल सुजुकी वाले डेंसो का प्लग दे रहे हैं, तो ये डेंसो का प्लग लगाया जा रहा है। वैसे रेडियम प्लग अच्छी स्पार्क देता है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है, लेकिन जेन्युइन ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा टैंकी रिजर्व पे नहीं जा रही थी, पेट्रोल वाला अंदर से पाइप उतरा हुआ था, तो पेट्रोल सारा निकाल के उसमें से वो पाइप फिट किया है दोबारा, और उसके बाद अब टैंक वापस लगाएंगे, तो काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी काम है, टैंकी उतरवाई है आपने तो जो इग्निशन कॉयल है उसके जो कनेक्शन है, थिम्बल्स हैं, वो आपने ज़रूर टाइट करवा लेने हैं। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर जाती बाइक इसकी वजह से बाजूकात, तो इसको थिम्बल्स को आपने ज़रूर टाइट कर लेना है। और उसके अलावा मज़ीद छोटे छोटे काम हैं सफाई के, और लाइट्स वगैरह चेक करेंगे। तो ये सब करने के बाद बाइक को बिल्कुल परफेक्ट हालत में वापस लेके आएंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह नॉर्थ के टूर के लिए।